नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर। आज का हमारा विषय है कि ऑनलाइन शिक्षा के साइड इफेक्ट, मतलब ऑनलाइन शिक्षा के दुष्परिणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप अपने बच्चे का साल बर्बाद करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बच्चों के बिना फीस के क्या अपना इंस्टीट्यूशन रन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में आजकल ऑनलाइन स्टडी का एक दौर चल पड़ा है और ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन स्टडी के इस बहाव में उन सभी लोगों को तैरना पड़ रहा है जिनको ना तो तैरना आता है और ना वो तैरना जानते हैं। मतलब उन सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है जिन्होंने कभी ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन तकनीक के बारे में सोचा तक नहीं है, उन लोग को भी इसमें जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, समय की ये मांग है और हम सबकी मजबूरी भी है। खैर, परेशानी तो सभी को हो रही है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को अपने स्तर पर प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर और जो अदर स्टाफ है उनको अपने स्तर पर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट की परेशानियों पर केंद्रित है। चलिए पहले हम पेरेंट्स की परेशानी की बात करते हैं। तो पेरेंट्स को इस ऑनलाइन स्टडी के कारण, ऑनलाइन शिक्षा के कारण मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल में जो भी उसको होमवर्क मिलता था उसको वो अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर की सहायता से पूरा कर लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो सारा काम पेरेंट्स को करना पड़ रहा है, मम्मी को या पापा को उनका काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाहर जाके अपने दोस्तों की सहायता ले नहीं सकता, टीचर से स्कूल जाके सहायता ले नहीं सकता, तो वो सारा काम अब पेरेंट्स कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही कि पहले क्या होता था, बच्चा जब स्कूल जाता था तो 7-8 घंटे के लिए पेरेंट्स फ्री रहते थे, वो अपना घर का जो काम है, हाउस होल्ड वर्क है या कोई सा भी दूसरा काम है, वो ईजिली कर पाते थे। लेकिन अब बच्चे घर पर ही हैं तो पूरे टाइम उनकी ही फरमाइश चलती रहती है। अगर हम आर्थिक परेशानी की बात करें तो ऑनलाइन स्टडी के कारण पेरेंट्स पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है। जैसे सपोज़ करिए कि एक बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है अपने टीचर की, तो उसके पास एक अच्छा मोबाइल चाहिए। या तो पेरेंट्स अपना मोबाइल उनको दें या फिर उसके लिए खरीद के लाएं, या तो मोबाइल खरीद के लाएं या टेबलेट खरीद के लाएं। तो ये एक्स्ट्रा लोड जो है वो पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन जो शिक्षा है या ऑनलाइन स्टडी है वो बिना इंटरनेट के संभव नहीं है, तो आपको इंटरनेट पैक भी डलवाना पड़ेगा, तो हर महीने डाटा का एक एक्स्ट्रा खर्च आ गया। और जब ऑनलाइन शिक्षा होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो उसमें डाटा ज़्यादा खर्च होता है, तो आपको जल्दी जल्दी उसको रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा। इस प्रकार की परेशानियों का सामना पेरेंट्स कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप कर ही रहे होंगे। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट की, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो बात है वो है स्टूडेंट कि स्टूडेंट को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं इसके पहले आपको CBSE द्वारा जो एक सर्वे हुआ है वो सर्वे की जानकारी आपको दे देता हूँ। हाल ही में CBSE ने एक सर्वे करवाया था बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। उस सर्वे में ये पाया गया कि भारत के 91% स्टूडेंट स्कूल में ही पढ़ना पसंद करते हैं, वो ऑनलाइन या घर पे बैठ के पढ़ना पसंद नहीं करते, वो स्कूल जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। 78% बच्चे वो हैं जिनके पास खुद का मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए या ऑनलाइन स्टडी के लिए या तो अपने पेरेंट्स का या किसी और का मोबाइल लेके पढ़ते हैं। भारत में केवल 39% बच्चे ही ऐसे हैं जो स्कूल का काम घर पे आके करना पसंद करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम जा रही है इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, या इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा की कमी आ रही है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो बच्चे नैतिक शिक्षा सीखते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के कारण, ऑनलाइन शिक्षा के कारण वो नैतिक शिक्षा से दूर जा रहे हैं। साथ ही उनको मनोरंजन का पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलते नहीं है, इस वजह से क्या होता है, उनका मनोरंजन भी नहीं हो पाता है। बच्चे कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा टाइम उनको स्कूल का जो ऑनलाइन शिक्षा का जो होमवर्क है उससे ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, और इसी कारण से वो कुछ देर में बोर हो जाते हैं, उनको बोरियत महसूस होती है। ऑनलाइन स्टडी के कारण ना तो वो बाहर जाके खेल पा रहे हैं और ना ही स्कूल जाके खेल पा रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर
चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। घर में ही रहने के कारण उनको अकेलेपन, भूख का कम लगना या भूख का अधिक लगना, इस प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई करने से उनकी आंखों की परेशानियां बढ़ रही है, साथ ही मानसिक थकान हो रही है, जिसके कारण उन्हें नींद बहुत आना या नींद ना आने की बीमारी पनप रही है उनके अंदर। तो इन सभी परेशानियों से हमारा भविष्य जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे इन परेशानियों से आप बच सकते हो। पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद के घरेलू जो उपाय है उनको अपनाकर बच्चे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। संगीत और योग से शरीर की कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है खानपान। संतुलित और समय पर अगर आप भोजन करते हैं तो आप मानसिक तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण शरीर और बुद्धि का विकास हो सकता है। तीसरा, जिंदगी जीने की कला सीखना। छात्रों को जिंदगी जीने का सही तरीका सीखना चाहिए। अपने करियर को बिना किसी दबाव के अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ही चयन करना चाहिए। ऑनलाइन के अलावा रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर का भी मदद लेना चाहिए। अगर बच्चे इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, और इस दौरान भी, ये लॉकडाउन के दौरान भी, ये महामारी के दौरान भी वो अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी चीज़ें बताई है, जो चर्चा हमने की है, वो चर्चा सार्थक हो, आपके ये काम आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।